नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया न्यूज़। पूरे देश में कर्फ्यू लगने के कारण हम आपको दिखाते हैं आज जलगांव की सिटी। जलगांव में जिस जगह पे हम आप खड़े हैं, यह है जलगांव की अजंता चौपली। आप देख सकते हैं ये चौपली पे हमेशा हजारों की तादाद में भीड़ लगी रहती है गाड़ियाँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं ये जो चौपली है, यहाँ से रोजाना आगरा, मुंबई, पुणे हर जगह चलने वाली गाड़ी हमेशा चलती रहती है। पर आज कर्फ्यू करना आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत कम दिख रही है। सिर्फ जो इमरजेंसी है, जिनको कोई इमरजेंसी, वही आपको आते जाते हुए लोग देख रहे हैं। कर्फ्यू का असर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी दिख रहा है, कोई भीड़ नहीं दिख रही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये जलगांव में सबसे बड़ी चौपली है यहाँ सर। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर जाएंगे तो ये पूना के लिए रोड जाता रास्ता जाता है। और इस जगह देखेंगे आप, ये मुंबई लाइन है। और आप इस जगह देखेंगे, यहाँ से आगरा जाने वाला ये रास्ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज कर्फ्यू के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भीड़ नहीं लग रही है। कर्फ्यू का असर आप देख सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, उसका जितने लोग जो देख रहे हैं आप, ये लोग इमरजेंसी कोई लोगों के काम है, मेडिकल या कोई काम, इसीलिए लोग बाहर निकले हुए हैं। और आज जलगांव में हर जगह आप सैनिटाइजर लगा के हर जगह पर आज जलगांव में कोरोना से बचने की तैयारी चल रही है। हर जगह जगह सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग क्यों घर में लोग नहीं रह रहे, लोग क्यों इस महाबीमारी से लोग उलझ रहे, लोग क्यों नहीं समझ रहे कि ये बीमारी बाहर निकलने से ये बीमारी फैलती है। और ये बीमारी लोग बाहर निकलेंगे तो उनके द्वारा लोग घर में भी इस बीमारी ले जा सकते हैं। बच्चों को इनसे धोखा है हर जगह से। आप देख रहे हैं कि देखिए लोग आप लोग कोरोना वायरस को लेकर चलते हुए जलगांव में भी काफ़ी मात्रा में बंद दिखाई दे रहा है। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके पूरे जलगांव शहर को क्लीन करते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग बीमारी से बचे। इसलिए आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे जलगांव में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके पूरे जलगांव को कोरोना नाशक से बनाते हुए।